अता फरमाए। जजाक अल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। جزاك الله خيرا كثيرا. Now let's move one step further. I would like to take this opportunity to welcome the personality who does not need any introduction, and he is a well known among all of us for his wisdom and his knowledge. Yes, you have thought correct. I mean our respectful honorable course director Abdullah Javed Sahib. I would like to invite him. के किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। Yes, our director साहब, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वाला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम कोऑर्डिनेटर्स और शुरगाए अजीज, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हम सबको ये तौफीक दी कि तकरीबन दो महीने उसके हबीब और बड़े ही चहेते पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का मुताला करें और आपकी सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर अफ़ाज़ करें और अमलन कुछ करने की कोशिश करें। ये महज अल्लाह ताला का फजल है कि उसने ये तौफीक दी और तमाम मराहल आसान फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम ही कोऑर्डिनेटर्स का। जितनी भी तारीफें हुई हैं तो उन तमाम तारीफों के मुस्तहिक असल में हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की, आपके असाइनमेंट्स का मुताला किया, आपको मोटिवेट किया, आपके लिए बहुत अच्छे रिमार्क्स पेश किए और इनक्रेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ तासरात आए हैं सामने, जिनसे मालूम होता है कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से, फिर बैरून मुल्क से भी, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा ही गैरमामूली कंट्रीब्यूशन रहा। मैं उनके हक़ में खुसूसी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत कबूल फरमाए और बे इंतहा अजर दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। आप तमाम शुरका का भी हम सब मशकूर हैं कि आपने बड़ी ही मेहनत से और जानफिशानी से इस कोर्स में हिस्सा लिया। हम सबको इस बात का एहसास रहा कि जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं वो कोर्स के कम्प्लीशन के लिए नॉर्मल नहीं, बिल्कुल ही चैलेंजिंग किस्म के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने कोशिश फरमाई और असाइनमेंट्स मुकम्मल किए और बड़ी ही दिलचस्पी और दिलजमे का मुजाहरा फरमाया। अल्लाह ताला आपको जजाय खैर दे और आपने जिसके मुताबिक अमल की सआदत नसीब फरमाए। आपके तमाम ही घर के अफराद का, आपके अहले ख़ानदान का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आप लोगों का ताउन दिया और असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने में आपकी मदद की और असाइनमेंट्स की जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं उनमें उन्होंने हिस्सा लेने की पूरी पूरी कोशिश की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द participants for their keen interest in this course. It was very challenging course actually. The conditions in which we are living today are very challenging and demanding. In spite of that, participants have tried the best to complete the assignments and they have presented their views, their thoughts in an excellent manner. May Allah Rabbul Izzat accept your efforts and reward you abundantly here and hereafter. We are very much thankful to your family members, to your children, and to your relatives who have lent their support for you to accomplish your assignments. Above all, I think the coordinators deserve a lot of respect, a lot of gratitude that they have ensured systematic completion of this course. So the credit goes to our efficient coordinators. May Allah Rabbul Izzat reward them all. इस कोर्स के जरिए से हमने अल्लाह के रसूल सल्लम की सीरत का मुताला किया। मुताला करने का जो हमारे सामने मकसद था वो ये था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक हमारे लिए उसवा है, नमूना है,
मतलब ये है कि हम न सिर्फ आपकी ज़िंदगी का मुताला करेंगे, आपकी सीरत का मुताला करेंगे, बल्कि इस बात की भी कोशिश करेंगे कि वो सीरत हमारी ज़िंदगियों में आ जाए, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घर की मसरूफियात में वो हिस्सा बन जाए, हमारी माशरती मसरूफियात का वो हिस्सा बन जाए, बल्कि मसरूफियात सीरत की रोशनी में अंजाम पाए। ये उसका असल मकसद मुद्दा है। हमेशा हमारे पेश नज़र रहना चाहिए जब भी हम सीरत रसूल अलैहिस्सलाम का मुताला करें। ये जिस तरह की बायोग्राफीज होती हैं, जिस तरह की सवाने उम्रियाँ होती हैं, वैसी ये कोई बायोग्राफी नहीं है, बल्कि ये वो सीरत है जिसको कि आपको इख्तियार करना है, आपको इमिटेट करना है। कैसे करेंगे ये मुताला? तो सब कोई, हर कोई करता है, लेकिन करेंगे कैसा, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ पर हमद और नात और दरूद और सलाम और इस तरह की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन जहाँ तक अमली तकाजे हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। अब जाहिर बात है उसका असर हम पर भी पड़ता है, हमारे अपने रवैयों पर भी पड़ता है, लेकिन सच मानिए कि मोहब्बत का जो तकाजा है सिर्फ तारीफ़ के गुनगाने से वो पूरा नहीं होता, बल्कि अमल करके दिखाना होगा कि हम वाकई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? तो हमने इस कोर्स के जरिए से वो फिक्र को डेवलप करने की कोशिश की। ये बात आप अपने पेश नज़र रखें कि सीरत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुताला हमें ज़िंदगी में इख्तियार करने के लिए करना है। मुख्तलिफ चीज़ों को हमें समझना है गहराई में जाकर और उनको इख्तियार करने की कोशिश करनी है। तो इसी के पेश नज़र अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ सरगर्मियाँ असाइनमेंट्स के जरिए से आप तक पहुँचाई गई। So the main intention of this course was to let you know that the prerequisite of the study of Seerah is something different than what we actually perceive. It is not just that we are reading and understanding what was the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, at Makkah or Medina. What were the important events that took place at that time? Beyond that, we have many things to ponder. And through this course, we tried to make you understand those prerequisites, those demands that will help you to imitate the life of Prophet Muhammad, peace be upon him. And this is the only criteria to justify the love that you have for Prophet Muhammad. Without action, the love for Prophet is, shallow. It has no value at all. It has no authenticity. So the question arises, how to imitate that noble life, that precious life? So the simple thing is that we have to understand the different aspect of Seerah and try to delve deep and wide in order to get the wells of wisdom from that Seerah and try to adopt in our life. Through the assignments and through different activities, we try to make you understand the same thing. जहाँ तक अमल की बात है, यानी सीरत को इख्तियार करने की बात है, ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है जबकि आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। आपने देखा होगा हमारे कोर्स की एक खूबी रही कि ये आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व किया। तमाम ही एक्टिविटीज इस तरह की थी जो आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व किए। ऐसा नहीं था कि पढ़ लिए, समझ लिए, लिख दिए, नहीं, बल्कि आपको मुताला करना होगा, फिर आपको गुफ्तगू करनी होगी, फिर आपको बाहर जाके कुछ चीज़ें इकट्ठा करनी होगी, खुद से चीज़ें तलाश करनी होगी। यानी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के जरिए से आपको ये महसूस कराया गया कि असल में इल्म हासिल हो सकता है उस वक्त जब आप अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपने आप को शामिल करें उस प्रोसेस में शामिल करें। शामिल करते हैं तो जाहिर बात है आपको एक नई चीज़ नज़र आती है, खुद आप अपने लिए नए नज़र आते हैं। जब आप इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को, आप अपने लिए खुद नए नज़र आने लगते हैं। तो ये असल बात है जिसकी तरफ रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम तवज्जो फरमाया है कि अल इल्म इमामुल अमल, इल्म अमल का इमाम है। यानी आप जैसा अमल करेंगे उसी की मुनासिबत से आपका इल्म रिफ्लेक्ट होगा, आपका इल्म जाहिर होगा, और जैसा आपका इल्म होगा उसी की मुनासिबत से आपका अमल होगा। और रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत मुबारक से जो इल्म आपको हासिल होगा उसके मुताबिक अमल के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करें। तो आपने देखा होगा सवालात और जवाब हो, केस स्टडी हो, एक्शन रिसर्च हो, वीडियो स्पीच हो, आर्टिकल राइटिंग हो, या बच्चों की सरगर्मियाँ हो, या हमारे अपने यूथ्स के लिए जो हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया था उसमें कंटेम्पलेटिव विजडम की बात है, यानी तदब्बुर और हिकमत के पहलू हम किस तरह से कुरान हदीस से समझ सकते हैं, फिर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़,
इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। तो आप उस प्रैक्टिस को जारी रखें, अपने आप को इन्वॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करें, जब भी कुरान मजीद का और अहादीस का मुताला करें, देखें कि कहां कहां क्या क्या सवाल आपके जहन में उभर रहे हैं, तो ये देखें कि किस तरीके टाइप का क्या आपको एक असाइनमेंट तय कर सकते हैं, एक एक्टिविटी तय कर सकते हैं। फिर एक्शन रिसर्च के तहत जो चीजें आपके सामने आई उनको भी सामने रखते हुए आप अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं। सो द मेन secret of this course was that it has invited you to involve yourself to accomplish the assignment and fulfill all the activities, right from question and answer to the case study and action research. All those activities were demanding that you should involve yourself. Unless and until you involve yourself, you can't even think of completing that assignment. So that was the beauty of assignment, you can say. That we tried our best to make you understand that in order to adhere to the teachings of Prophet, in order to imitate the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, we have to involve ourselves. We have to literally feel the period in which he was living. We have to literally feel the pain that he has suffered, gone through, or the happiness that he has felt. So we tried through different activities the same thing, that you can involve yourself and understand what actually the seerah is and how you can accomplish that. Aakhri baat ye karni hai aapse ke ilm hasil karne ke baad ya ilm hasil karte hue humko maidan ka shahsawar banne ki koshish karni chahiye. Ilm se murad yahi hai ke aapke andar transformation aa jaye. Allah tbaraka taala ne quran mein nazil farmaya aur uska maqsad ye bataya ke complete transformation ho jaye. ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज के माने एक ये नहीं है कि हम एक जगह बैठे रहें, बल्कि माने ये है कि हमारी ज़िंदगी बदले, हमारा घर बदले, हमारा अपना ख़ानदान बदले, हमारी अपनी सोसाइटी बदले, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का माहौल बदले। इसके माने चेंज के हैं, इसके माने तब्दीली के हैं, और इल्म तब्दीली ही के लिए हासिल किया जाता है। अगर आप इल्म हासिल करते हैं और तब्दीली यकीनी नहीं बनाते तो मतलब ये कि आपने इल्म हासिल नहीं किया सही मानो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के नुज़ूल का जो मकसद बयान फरमाया वो यही कि किताबन अंजलनाहु इलैका लितुखरिज अन्नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, कि हमने ये किताब नाजिल फरमाई ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाएं। अब जाहिर बात है किताब को देखने से तो आदमी कोई रोशनी में नहीं आ सकता जब तक कि किताब का इल्म हासिल ना करे। तो इल्म के माने ट्रांसफॉर्मेशन के, चेंज के, तो वो चेंज लाने की पूरी कोशिश करें। केस स्टडी के जरिए से आपने समझ लिया अच्छी तरह से, और एक्शन रिसर्च के जरिए आपने अच्छी तरह समझ लिया, सवाल और जवाब देकर आपने अच्छी तरह समझ लिया, और जो आपको डायग्राम वगैरह तस्वीर वगैरह बनाने की बात कही जाती थी उसके जरिए से आपने समझ लिया कि कैसे ये चेंज मुमकिन हो सकता है। बस आप उसको बाकी रखें, उस जहन को आप बाकी रखें, उस फहम को आप बाकी रखें, और तब्दीली लाने की कोशिश करें। आपके जो एक्शन रिसर्च के तफसीलात थे उनको देखने का मौका मिला, केस स्टडी की तफसीलात को देखने का मौका मिला। तो ये जो हम देखते हैं ना कि माशरे में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं और मसाइल का सही तौर पर शऊर हमको हासिल हुआ इस कोर्स के जरिए से, तो वो मसाइल असल में हमारे सामने एक सवाल है। वो हमसे सवाल करते हैं कि कब हमको आप हल करेंगे। वो मसाइल घूंगे नहीं होते बल्कि उनकी आवाज़ होती है, लिहाजा हमको उन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप इस पर खास करें तवज्जो फरमाएं और देखें कि कैसे आप मुख्तलिफ किस्म के काम इस कोर्स के हवाले से कर सकते हैं। ये जो हमने शेर आपके लिए दिया है, फॉलोअप में भी उसको मेंशन किया है और असाइनमेंट में भी लिखा हुआ था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। यानी जो पस्त है, जिसके हकूक नहीं मिल रहे हैं, जो गरीब है, जो गुर्बत में डूबा हुआ है, जिस पर जुल्म हो रहा है, ये सब पस्त है, उनको हमें ऊंचा उठाना है। यानी ये कि अगर आप किसी कमजोर के साथ खड़े हो जाएं तो वो कमजोर नहीं रहेगा। हम ये कहते हैं ना कि बैकवर्ड है और पिछड़े तबकात के हैं, क्यों कहते हैं इनको? इसलिए कि उनके साथ कोई होता नहीं है। अगर हो जाए तो जाहिर बात है वो ताकतवर बनेंगे, वो बैकवर्ड तो नहीं हो सकते। तो ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि हम खड़े हो जाएं। अना वलियुन मन ला वलिया लहु, आप अलैहिस्सलाम का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि मैं उस शख्स का वली
वाली हूँ, साथी हूँ, मददगार हूँ जिसका कोई मददगार नहीं। तो आप बेवाओं के साथ खड़े हो जाइए, आप मिस्किनों के साथ खड़े हो जाइए, आप मजबूर और लाचार के साथ खड़े हो जाइए। यही अल्लाह के रसूल सल्लम की सुन्नत। खैरुन नास मैनफाउन नास, तुम्हें सबसे अच्छे वो हैं, तुम्हें सबसे अच्छे इंसान वो हैं जो इंसानों के लिए नफा बख्शे। तो हमको इल्म हासिल करते हुए माशरे को सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। द लास्ट थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड्स दैट नॉलेज प्रेजेंट बिफोर अस, दैट वी हैव टू स्टैंड फॉर फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। एवरी प्रॉब्लम, एवरी इशू हैज अ क्वेश्चन मार्क। इट पोजेस अ क्वेश्चन बिफोर यू दैट it asks you when you are addressing that particular question and when you are providing its answer. So we have answer in the form of Quran and Sunnah, and we have to stand up for that. The Prophet Muhammad peace be upon him has said that ana waliyun man la waliya lahu, I am the helper of the one who has no helper, I am a guardian of the one who has no guardian. So you have to be a guardian, you have to be a helper, you have to be a companion, you have to be a good friend of those who don't have these things. In that way, you can fulfill the demands of the love of Allah and His Prophet Muhammad, peace be upon him. Allah Ta'ala se dua hai ki humne is course ke zariye se jo kuch bhi seekha samjha hai usko hamesha yaad rakhne, uske mutabik mazid mutala karne aur uske mutabik amal karne ki taufeeq ata farmaye. Allah Ta'ala hame ye saadat naseeb farmaye ki hum Allah ke Rasool Sallam se mohabbat bhi kare और अमल के जरिए से उस मोहब्बत का सबूत दे। अल्लाह ताला इस कोर्स के जरिए से जो अच्छाइयाँ हमारे अंदर पैदा हुई हैं अल्लाह ताला उन्हें बाकी रखे, उन अच्छाइयों के जरिए से हमारी जिंदगी को तब्दील फरमाए, हमारे अपने घर की, हमारे खानदान की, हमारे अपने बच्चों की, हमारे अपने माशरे की जिंदगी तब्दील फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम इस प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। हो करम तेरा तो गुलजारे मदीना देखूं, हो करम तेरा तो गुलजारे मदीना देखूं, अब तुम्हारा अब तमन्ना है कि दरबारे मदीना देखूं, लब पे हो मेरे दुरूदों की सलामों की लड़ी, जाली जवाब की सरकार मदीना देखूं। अब दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان. اللهم إنا نسألك منك، اللهم إنا نسألك منك، اللهم إنا نسألك منك. या अल्लाह, ये प्यारे शुरका, प्यारे बच्चे, ये कितने अच्छे लोग हैं अल्लाह। अल्लाह उन लोगों ने आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने और समझने के लिए अपना कीमती वक्त खर्च किया। अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल कर लीजिए। अल्लाह हम सब की मेहनत को कबूल कर लीजिए। अल्लाह इस मेहनत की वजह से अल्लाह पाक हमको आशिक रसूल बनाइए, खादिम दीन बनाइए। अल्लाह हम सब की इस मेहनत को आखिरत के लिए ज़खीरा बना दीजिए, इसको हमारे लिए गवाह बना दीजिए। अल्लाह हमारे पास ऐसे आमाल नहीं हैं जिनकी वजह से हम जन्नत के मुस्तहिक हों। अल्लाह सिर्फ इसी अमल को कबूल कर लीजिए और इसी को हमारी नजात का ज़रिया बना दीजिए। अल्लाह कबूल कर लीजिए, अल्लाह काबिल बना दीजिए, अल्लाह कबूल कर लीजिए, अल्लाह अल्लाह काबिल बना दीजिए।
अल्लाह एक मर्तबा हम गुनहगारों का प्यार भरा सलाम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भिजवा दीजिए। एक मर्तबा सलाम भिजवा दीजिए अल्लाह एक मर्तबा उनके पास से जवाब आ जाएगा। अल्लाह हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह एक मर्तबा भिजवा दीजिए। अल्लाह इस मजलिस में कोई तो होगा जिसकी दुआ आपको कबूल होगी, जिसकी दुआ आपको पसंद होगी। कोई बूढ़ा होगा, अल्लाह बूढ़े के लिए तो आपने कहा है कि जिसके सफ़ेद बाल होते हैं उसकी दुआ रद्द करते हुए मुझे शर्म आती है। अल्लाह कोई बच्चा होगा, अल्लाह ये कितने प्यारे बच्चे हैं। अल्लाह इनकी कोई कोशिश, अल्लाह इनके सामने कितने सारे बदकारी के ज़राए हैं, कितने गुनाहों के ज़राए हैं, अल्लाह फिर भी इन्होंने अपना वक्त आपके लिए खर्च किया, आपके नबी के लिए खर्च किया। अल्लाह इन बच्चों की दुआओं को कबूल कर लीजिए और उनकी दुआओं की वजह से हम सब की मग़फ़िरत कर दीजिए और अल्लाह हम सबको पूरी उम्मत के लिए नजात का जरिया बना दीजिए, हिदायत का जरिया बना दीजिए। अल्लाह जो हमारे कोर्स डायरेक्टर हैं, अल्लाह जिनकी वजह से हमको इस कोर्स करने का मौका मिला है, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल कर लीजिए। अल्लाह उनकी उम्र तवील कीजिए। अल्लाह उनको सेहत और आफियत बख्शिए और अल्लाह उनसे बहुत ज़्यादा काम लीजिए और अल्लाह उनके सदक़े तौफ़ील में